नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2021 का सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है, एवं इसी के साथ में IIT खड़गपुर के द्वारा गेट 2022 के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन तथ्यों के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2021 की ऑफिशियली वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंतर्गत हमें 17 जनवरी 2022 का नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट वाइज शेड्यूल फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2021 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट वाइज शेड्यूल फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2021। 29 जनवरी 2022 को अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस का शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से 15 फरवरी 2022 को फिजिकल साइंसेस शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम होगा। 16 फरवरी 2022 को मैथमेटिकल साइंसेस शिफ्ट 1, केमिकल साइंसेस शिफ्ट 2, 17 फरवरी 2022 को लाइफ साइंस ग्रुप 1 शिफ्ट 1 एंड लाइफ साइंसेस ग्रुप 2 शिफ्ट 2 के अंतर्गत एग्ज़ाम रहेंगे। एडमिट कार्ड जल्द ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए जो वेबसाइट लिंक है, इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन पर हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको इसके संदर्भ में भी सूचित किया जाएगा। अब बात करेंगे हम गेट 2022 के संदर्भ में। गेट 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड अवेलेबल फ्रॉम January 15, 2022 लॉगिन दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। दिए गए बॉक्स में इनरोलमेंट आईडी या ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। इसके पश्चात पासवर्ड फिल करेंगे और इसके पश्चात कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के पश्चात सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेशन स्टेटस इनरोलमेंट आईडी एप्लीकेंट नेम हमें दिखाई देगा, इसके साथ में इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलोंग विद द ओरिजिनल, नॉट फोटोकॉपी और नो स्कैन कॉपी। यानी ओरिजिनल जो फोटोकॉपी है, आईडी है, वो हमें लेकर जानी होगी। फोटोकॉपी या स्कैंड कॉपी हमें लेकर नहीं जानी होगी। वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ विच इज मेंशन्ड अबव, इन केस ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ फोटो ऑन आईडी प्रूफ कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एन एडिशनल रिसेंट वैलिड फोटो आईडी आल्सो। एग्जांपल पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक हमें जो ओरिजिनल जो आईडी है वो हमें साथ लेकर जानी होगी। एडमिट कार्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी वैलिड ओनली इन बोथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर क्लियर टू इंश्योर दिस। प्रिंट दिस एडमिट कार्ड ऑन A4 साइज पेपर यूजिंग लेज़र प्रिंटर प्रिफरेबल इन कलर। तो बिल्कुल जो फोटो है बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इन बिंदुओं का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस पर हमें टिक करना होगा। टिक करने के पश्चात डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर गेट पेपर 1 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से
देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके पश्चात डी, गेट 2022 पेपर, फोटो आईडी एंड आईडी नंबर के संदर्भ में हमें यहाँ जानकारी आसानी से मिल जाएगी। और इसी के साथ में इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट आदि के संदर्भ में भी हमें जानकारी यहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।